लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो 3500 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया टैक्स राशि की वसूली के लिए विपक्षी दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 3567 करोड़ रुपए की बकाया टैक्स राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। विपक्षी दल ने भाजपा पर टैक्स आतंकवाद का आरोप लगाया है और आयकर विभाग के कदम को चुनावों से पहले उसे वित्तीय रूप से दबाने का प्रयास बताया है। पार्टी ने कहा कि ये चुनावों के लिए समान अवसर को बंधित कर रहा है और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। पहले आयकर विभाग द्वारा पार्टी के खाते में से 135 करोड़ पिछले टैक्स को लेकर निकाले गए थे। जब मामला आज जस्टिस बीबी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी चुनाव के दौरान विपक्षी दल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें 2024 में 20% का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। 135 करोड़ की वसूली की गई थी, 1700 करोड़ की मांग के बाद की गई है, इसलिए मामला बाद में उठाया गया। 1700 से संबंधित है, इस पूरे मामले पर चुनाव के बाद काम करें मांगे और हम तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जब अदालत ने पूछा कि क्या केंद्र कर मांग को रोक रहा है तो मेहता ने जवाब दिया नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी तरह फिलहाल के लिए कांग्रेस को केंद्र की तरफ से राहत दे दी गई है।